अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मैं हूँ हाफिज सलहा अनवर। आज मैं बात करूँगा बहरिया ग्रीन्स के मुतलिक और पिसन 6123 की करंट मार्केट क्या है और क्या सिचुएशन है इनकी डेवलपमेंट की, उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं बहरिया ग्रीन्स। बहरिया ग्रीन्स जैसे कि आपको पता है 75 यार्ड्स पर मुश्तमिल एक लो कॉस्ट स्कीम जो है प्लॉट्स की, वो बहरिया टाउन ने लॉन्च की थी। अब उसकी लोकेशन बिल्कुल हमें जो है स्पोर्ट सिटी जब ख़त्म होता है उसके साथ मिलती है। मेन गेट से अप्रॉक्सीमेटली भी उसका जो डिस्टेंस है वो 35-40 किलोमीटर है। लेकिन मुतबादल जो है इसका जो हम सुनने में आ रहा है रास्ता, यहाँ से बहरी ग्रीन से ऑनवर्ड आ गया अल्फिजार एवेन्यू निकाला जाएगा अलबका यूनिवर्सिटी की तरफ। तो इसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। पिछले दिनों इसका ट्रांसफ़र रोक दिया गया था, उसमें कुछ हमें न्यूज़ सुनने में आई थी कि इसका कोई इल्लीगल इशू निकल आया है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई मसला मसाइल, लेकिन इसका कोई इस तरह का, क्योंकि एक रूमर था और मार्केट में एक तरह का ये फैल चुका था कि बहरिया ग्रीन जो है वो आउट ऑफ वॉल चला गया, लेकिन इसमें किसी बात की कोई सच्चाई नहीं। दोबारा से फिर वही रूटीन है बहरिया ग्रीन की, ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग भी हो रही है। सिर्फ सिस्टम में थोड़ा सा मसला आया था बहरिया के हेड ऑफिस में। अभी अगर मैं करंट मार्केट की बात करूं बहरिया ग्रीन की, तो हमें जो जनरल फाइल है वो 8 लाख 8.5 लाख ऑन पे जो है वो मिल रही है, और जो कैटेगरी फाइल्स हैं वो हमें 13 लाख 12.5 से 13 लाख के बिटवीन जो है वो हमें वहाँ पे कैटेगरी कॉर्नर या पार्क फेस मिल रही है। इसमें जो ऑन प्राइस है वो मैं इस तरह उसका डिटेल में बताऊंगा कि 16 लाख 75 हज़ार में बहरिया टाउन ने ये लॉन्च की थी डील। इसमें जो डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट है वो 5-6 इंस्टॉलमेंट इस टाइम चली गई हैं, और डाउन पेमेंट के साथ इसकी 6 इंस्टॉलमेंट, और उसके बाद जो ऑन प्राइस है वो आपको पे करनी होगी इसको परचेज़ करने के लिए। और दूसरा ये कि सेलर हजरात जो हैं या जो ऑनर हैं बहरिया ग्रीन में जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके लिए एक प्लस पॉइंट और एक पॉजिटिव चीज़ जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वहाँ पे लोकेशन भी और बाकायदा वहाँ पे नोटिस भी आ चुका है कि ये वाला जो बहरी ग्रीन्स के बिल्कुल साथ जो अपार्टमेंट बन रहे हैं वो एक नया पाकिस्तान के स्कीम के तहत वहाँ पे अपार्टमेंट लोगों को दिए जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि वहाँ पे आबादी का आना और लोगों का वहाँ पर रुझान बनना, इर्द गिर्द के जो प्रीसेंट्स हैं उनमें प्रीसेंट 6123 और बहरी ग्रीन्स ऑब्वियसली इसकी सराउंडिंग में आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्रॉपर्टी पे पड़ेगा और आप रेट्स जो हैं वो हमें पॉजिटिव जो है वो मिलने को देखने को मिलेंगे रेट्स भी, और इसकी जो बाइंग एंड सेलिंग है वो भी हमें देखने को मिलेगी, नॉर्मली इससे ज़्यादा मिलेगी देखने को। तो उसके बाद अगर मैं पीसन 6123 की बात करूँ तो वहाँ पे डेवलपमेंट जो है, जो हमारे मार्केट की न्यूज़ है उसके मुताबिक, यहाँ हमने जो हमें जो ऑन साइड जाके हमने देखा कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है 6123 में। आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो लो बजट 125 गज़ बहरिया टाउन में लमसम अमाउंट पे 6123 के अंदर इस टाइम मिल रहा है, और बाकी कटिंग भी है 500 गज़ की, 250 गज़ की और 1000 गज़ की, उन प्रीसेंट्स के अंदर लो बजट में इस टाइम मिल रही है। और आज इस ऑप्शन को आप अवेल करके इसमें जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा जो है वो रिटर्न ले सकते हैं, अगर आप 4-5 साल की होल्डिंग कैपेसिटी के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो डेवलपमेंट जो है वो 6123 की तकरीबन जो है वो कंप्लीटेशन की तरफ है। ये नहीं है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये कि 61 प्रीसन 61 इसको डेवलप कर दिया जाएगा पहले, और 62 और 3 जो है आहिस्ता आहिस्ता वो भी डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। तो ये नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो इस एरिया को और स्पोर्ट्स सिटी की साइड को
बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करेगी। तो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी और खुशखबरी है कि उनका जो उन्होंने प्रॉपर्टी वहाँ पे ली हुई है, उसके जो रेट्स हैं उनमें हमें जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। तो मज़ीद कोई क्यूरी हो आपकी बहरी टाउन कराची के मुतलक, तो नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर्स दिए गए हैं, 03018622900 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मज़ीद अपडेट्स और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पीपीएल होम्स। अल्लाह हाफिज़।